बच्चों, हम इतिहास में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मुद्रण क्या है ये आपको हमने बता चुके थे, और आधुनिक दुनिया के अंतर्गत जो है ये मुद्रण जो है कितनी महत्वपूर्ण है ये चीज भी हमने देख चुके थे। क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, छापे के द्वारा उसको छापते थे, तो उसमें बहुत समय लगता था और महंगी होती थी। लेकिन मुद्रण आने के कारण, प्रिंटिंग प्रेस आने के कारण इसमें तेजी आई और कम समय में अधिक से अधिक किताबें छापी जा सकती थी। इससे हम देखेंगे यहाँ पर छापा खाने की प्रगति होने के कारण क्या है, निरंकुशवाद जो था वह उजड़ गया था। और इस तरह से मार्सी से हम देखेंगे कि ये नायक अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते थे, क्योंकि किताबें घोटते थे, किताबों की दुनिया में जीते थे, और वे इस तरह से निरंकुशवाद जो था वह छापे खाने की भूमिका को नष्ट करने के लिए आश्वस्त हो गए, क्योंकि वे समझने लगे थे कि हर चीज जो है वह मुद्रण के माध्यम से लोगों तक आसानी से ये सारी चीजें पहुंच रही है। क्योंकि हे निरंकुशवादी शासको, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है, आभासी लेखक कलम से यह जोर आ गई, तुम हिल उठोगे। मतलब हम जिस तरह से कहा जाता है कलम एक तलवार की तरह काम करता है, वैसे ही था, क्योंकि हर चीज जो है हम लिखित रूप में लोगों के सामने पेश करते हैं तो वह उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। फिर इस तरह से मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति, मुद्रण संस्कृति के कारण फ्रांसीसी क्रांति किस तरह से हुई, इसके लिए हम देखेंगे मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जो है अनुकूल परिस्थितियां रची। वह अनुकूल परिस्थितियां इसलिए कहा गया क्योंकि जब वो जो परिस्थितियां थी वह लिखित रूप में जब लोगों के सामने आई तो लोगों ने उसको पढ़ना चालू किया, उसको जानना चालू किया। वे ये समझने लगे थे कि छोटा सा राष्ट्र भी जब निरंकुशवाद से तुरंत आजाद हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है, क्रांति ला सकता है, तो हम क्यों नहीं ला सकते। इस तरह से हर चीज में तर्क वितर्क, विवेक, रीति रिवाज, परंपरा, अंधविश्वास, निरंकुशवाद, आलोचना, सवालिया, पाठक के मन में जो ये कई तरह की नजरिए उनके मन में उठने लगे थे। क्योंकि जब हम कुछ चीजें देखते हैं, छापते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, संवाद भी होते हैं, हर पहलू के दो पक्ष होते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे कि हम बहुत सारे सबक से सीखते भी। इस तरह से उनके पूर्ण मूल्यांकन सिलसिला भी शुरू हुआ और साथ ही साथ उनके धार्मिक धर्म और आस्था को भी प्रश्नांकित करने लगे थे। क्योंकि कई लोग ये होता था कि वह वाकई में हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हम पहले क्या होता था, सिर्फ कहानियां सुनते थे और परंपरा अनुसार उसको लेते हुए जा रहे थे। इस तरह से 1780 के दशक में भी राजशाही और नैतिकता का मजाक उड़ा। फिर कार्टूनों के माध्यम से जो कार्टून बनाए जाते थे, व्यंग चित्र जो बनाए जाते थे, उसके माध्यम से भी भावों को बांटते थे। फिर राजशाही गिलास भी डूबे हुए रहते थे भूमिगत घूमने के साहित्य में। इस तरह से जो भी राजतंत्र के खिलाफ भड़काया गया, मतलब बहुत सारी छपाई हुई, बहुत सारी मुद्रण किया गया, जिसमें कि लोगों ने उसको देखा और छपाई विचारों को फैलाने के लिए जो मुद्रण था वह महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ। फिर 19वीं सदी में भी हम देखेंगे, 19वीं सदी यूरोप में जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाई। मतलब लोग जब पढ़ने लगे थे उसके लिए लोग साक्षर होने लगे थे। फिर वहां पर बच्चे और महिलाएं और मजदूर, 19वीं सदी में बच्चे, महिलाएं, मजदूर, ये सभी लोगों के लिए 19वीं प्राथमिक शिक्षा जो थी वह अनिवार्य होने लगी थी और लोगों को पढ़ाना आवश्यक हो गया था। इस तरह से जो पुस्तकें जो थी छापने के लिए एक प्रेस मुद्रणालय स्थापित किया गया जो सरकार के कंट्रोल में हुआ करता था, और इसके साथ साथ परिकथाएं, लोक कथाएं, प्रकाशन आदि भी होने लगी थी। और इस तरह से बच्चों को मतलब मन भावन पुस्तकें उनको देने के लिए, ताकि वे किताब पढ़ें, कहानियां सुने, कहानियां पढ़ें, उसे अच्छा अच्छा ज्ञान लें। इस तरह से छपने से के दर्ज से ये हुई कि इसकी प्रक्रिया जो थी वह बदल गई। इस किताबों का संस्मरण कितना, जितने जिस तरह से मांग होती थी उसकी मांग भी पूरी हो जाती थी, क्योंकि मुद्रण के द्वारा या आधुनिक मशीन के कारण अधिक से अधिक पुस्तकें और किताबें छापी जा सकती थी। जब हम यहाँ देखेंगे कि कई चीज़ें जो है मैगजीन, प्रेस, पत्रिकाएँ खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, जैसे जैसे चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं भी हुआ करती थी। मतलब लोग अपने अनुभव को शेयर करते थे, अपने अनुभव को उसमें लिखते थे, वे सारी चीज़ें उसमें प्राप्त हो जाती थी। और उसमें कई ऐसी भी चीज़ें थी जिसके व्यक्तित्व सुदृढ़ था, गहरी सूझबूझ थी, कई व्यक्तियों की इच्छा शक्ति, दिमाग, ये सारी चीज़ें मुद्रण के माध्यम से ही हमको देखने को मिली, पढ़ने को मिली, जिससे कि हमने सारी चीज़ें सीखी। फिर नई तकनीकें परिष्कार, 18वीं सदी के अंत में
यहाँ हम देखेंगे कि मध्य तक न्यूयॉर्क रिचर्ड एमू शक्ति जो बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था, जिसमें कि प्रति घंटे 8,000 सीट जो थे वे ताव में छप जाते थे, और उसके अंत तक ऑफसेट प्रेस भी आ गया था जिसमें कि एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी, और 20वीं सदी से शुरू हुई बिजली से चलने वाले प्रेस भी आ गए थे जिस पर भी छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा था। फिर इस तरह से एक दो और चीजें भी कागजात में डालने की विधि सुधार हुआ, जिसमें प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित फोटो रंगे रील मशीन छोटी छोटी मशीनें ये सारी चीजें जो थी उस समय आ गई थी। उसके बाद मतलब आसानी से और तेजी से प्रिंटिंग होने लगी थी। उपन्यासों की धारावाहिक में छापा जाना एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में भी 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें सस्ती श्रृंखला में शीलिंग श्रृंखला में तहत छापी गई, जैसे कि आवरण डस्ट कवर थी, और 20वीं सदी में इसी तकनीकों को नवायत किया गया था। 1930 में भी आर्थिक मंदी के कारण प्रकाशन किताबों के लिहाजा गिरने लगी थी, जिससे कि भय था लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने पेपर बैग जो सस्ता करना चालू कर दिया था। इससे भारत का मुद्रण संसार, अब हम यहाँ देखेंगे कि मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ, संस्कृत, अरबी, फारसी, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियाँ पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियों को तार के पत्थरों पर लिखा जाता था, कागजों पर नकल कर बनाई जाती थी, कभी कभी पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। इस तरह से हम देखेंगे उसमें सिल्वर बांध कर और पांडुलिपियाँ छपी रहती थी, और ये पांडुलिपियाँ नाजुक होती थी, महंगी होती थी, और सावधानी से पकड़ना होता था। ये सारी चीजें हमें क्या करती थी, सावधानी रखनी पड़ती थी पुरानी पांडुलिपियों में। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह से दैनिक इस्तेमाल के लिए नहीं होता था, और ये अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता था, और याददाश्त किताबें सुनाते थे। मतलब ये पुस्तकें जो होती थी, आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने समय में लोग आश्रम में बैठकर सिर्फ मौखिक रूप से शिक्षा दिया करते थे। ये पांडुलिपियाँ लिखी हुई होती थी, लेकिन उनको बार बार हम उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि बार बार उपयोग करने से भी फट जाएंगी, नाजुक होती थी इसीलिए। फिर छपाई भारत आई। 16वीं सदी में भारत गोवा से पुर्तगाली प्रचारकों के साथ ये आया, और साथ ही साथ पुजारी को करनी सीखी, और यहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचार में 32 तमिल किताबें छापी गई, जिससे कि पुरानी किताबों का अनुवाद। इस तरह से अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफी देर तक विकास नहीं कर पाया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने की आयात जो है उन छापे खाने का आयात जो है उन्होंने शुरू कर दिया था, इसलिए अंग्रेजी की छपाई नहीं हो पाई थी। फिर देखेंगे गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका संपादन शुरू हुआ, जो खुद ही परिभाषित किया गया था। इस तरह से व्यावसायिक पत्रिका किसी भी प्रभाव में नहीं, पत्रिका प्रांत चलाने के लिए, फिर अपनी स्वतंत्रता के अभियान के लिए विज्ञापन छपवाना, दासों के प्रति जुड़े इश्तेहार देना, कई तरह के कार्य जो थे हम कागजों में आसानी से मुद्रण के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोग देखते हैं मुद्रण के माध्यम से ही लोगों को विज्ञापनों के माध्यम से उनको लुभाया जाता है, और साथ ही साथ वे उस चीज को खरीदने के लिए सोचने लगते हैं, या फिर वे खरीदते भी हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया था, और इस तरह से कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी थी, जिससे कि इसके करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा भी यह गजट जो है प्रकाशित किया गया था। फिर धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें, मतलब धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें भी शुरू हुई। जैसा कि हम जानते हैं शुरू शुरू में 19वीं सदी की शुरुआत में धार्मिक मसलों पर भी लोगों की बहसों को बतौर बाजार गर्म था, क्योंकि मुद्रण के माध्यम से लोगों को सारी चीज़ें जो है लोगों के सामने आने लगी थी, और मौजूदा जो आलोचनाएं थी, रीति रिवाज थी, वे सारी चीज़ें जो है लोगों के सामने आने लगे थे। इस तरह से वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक हो गई थी, मतलब लोगों के सामने, मतलब एक की समस्या नहीं थी, सभी की समस्या थी। एक घर में, मतलब एक परिवार, एक घर, या एक देश, या फिर राज्य देखेंगे तो प्रायः बहुत सी जगह जो थी वही कमियां थी, वही समाज सुधारकों की आवश्यकता थी। इस तरह से अखबारों के माध्यम से सारी चीज़ें पता चलती थी। फिर पुस्तिकाओं, अखबारों ना केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया, बल्कि साथ ही बहस की सपन को भी तय किया, और समुदाय में हिस्सा ले लिया था। इस तरह से हम देखेंगे कि बहुत लोगों ने अपना मत भी जाहिर किया, और इस तरह से मत ममांतरण के नए विचार भी सामने आए समाज में। सब धर्म सुधारकों, हिंदू रूढ़िवादियों, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग, मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस भी ठनी हुई थी। इस तरह से हम देखेंगे कि जो आम बोलचाल की भाषा में छापा गया, जैसे राजा राम मोहन राय ने 1821 से कुमोदी